स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस रिमेनिंग फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिक्स फंडामेंटल राइट्स, ऑल ऑफ यू नो। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आपके अदर राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को क्यों दिए थे? जिससे कि उनकी फ्रीडम प्रोटेक्ट हो, इक्वलिटी मिले, एजुकेशन मिले, और ये गवर्नमेंट कोई भी हो वो अपनी एरिवेटरी ना करे। एन एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट मीन्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिक्स फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द एरिवेटरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। इसका मीनिंग क्या, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे, तो गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिए थे। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स आता है, फंडामेंटल राइट्स, और इसके साथ ड्यूटीज़ भी दी। तो राइट्स जो रहते हैं वो आपके जस्टिफाइबल रहते हैं, उनके लिए आप कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो ड्यूटीज़ रहती हैं वो सिटीजन्स की होती हैं, और वो एक उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एज अ इंडियन सिटीजन्स वो अपने नेशन के लिए ऐसा कुछ भी ना करें जो कि नेशन के लिए गलत हो। इसके बाद में आपका आता है सेकुलरिज्म मीन्स इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन्स एज अ स्टेट रिलीजन्स। अब इसको आप दो एग्जाम्पल से समझेंगे। पाकिस्तान ने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक नेशन। नेपाल ने लिखा है नेपाल हिंदू नेशन। तो हमारे कंट्री में कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि हमने किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया है, ऑल रिलीजन को हम इक्वली ट्रीट करते हैं। ये क्या डिफाइन करता है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो हमारे ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फाइव जो की फीचर्स हैं, जो मेन की फीचर्स हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन किया, और मैंने आपको ये भी बताया है कि केवल ये फाइव की फीचर्स ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं हैं, हमारे और भी की फीचर्स हैं। तो ये फाइव कौन कौन से वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या आता है, फेडरलिज्म। सेकेंड, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर। फोर्थ, फंडामेंटल राइट्स। एंड फाइव, सेकुलरिज्म। ओके,